सम्मान्य साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम जानते हैं किसी शासकीय सेवक को या कर्मचारी को किन किन सक्षम अधिकारियों के द्वारा निलंबित अर्थात सस्पेंड किया जा सकता है, इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी शासकीय सेवक से कोई गलती हो जाती है या किसी तरह का कोई मामला बन जाता है, तब सक्षम अधिकारियों के द्वारा उस शासकीय सेवक को निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, अर्थात कुछ समय के लिए उनके काम करने के लिए उनको रोक दिया जाता है। तो ऐसे कौन से सक्षम अधिकारी हैं जो किसी शासकीय सेवक को निलंबित कर सकते हैं, इस बारे में जानते हैं। साथियों, सामान्य प्रशासन विभाग की जो नियमावली है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, तो साथियों इसमें एक स्थान पर ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और मैंने सोचा क्यों ना ये जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको भी प्रदान करूं। तो साथियों, यहां जो जानकारी दी गई है उसको मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखकर रखा है और हम बहुत संक्षेप में जानते हैं कि ऐसे कौन से पदाधिकारी होते हैं जो किसी शासकीय सेवक को गलती होने पर या कोई मामला होने पर निलंबित कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, किसी शासकीय कर्मचारी को निलंबन हेतु सक्षम प्राधिकारी, ठीक है। तो सबसे पहले क्रम पे मैंने लिखा है कि नियुक्ति प्राधिकारी। साथियों, किसी शासकीय सेवक को उनका जो नियुक्ति प्राधिकारी होता है वो निलंबित कर सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी से आशा यह है कि किसी शासकीय सेवक को जो नियुक्ति प्राप्त हुई है, अर्थात जो नियुक्ति पत्र मिला है, नियुक्ति आदेश जो प्राप्त हुआ है, जिनके हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ है, वो सक्षम अधिकारी हैं, वो उनको निलंबित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि जनपद पंचायत की हम बात करें, तो जनपद पंचायत में किसी कर्मचारी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त हुआ है और ऐसे कर्मचारी के द्वारा कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई मामला हो जाता है और उनको निलंबित करने की बारी आती है, तो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी निलंबित कर सकते हैं, क्योंकि उनको नियुक्ति आदेश जो है उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी है, उनके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो दूसरे क्रम पे मैंने लिखा है कि ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ वह नियुक्ति प्राधिकारी हो। साथियों, ऐसे प्राधिकारी भी किसी शासकीय सेवक को निलंबित कर सकते हैं जो कि जो नियुक्ति प्राधिकारी है किसी शासकीय सेवक के, वो किसी बड़े अधिकारी प्राधिकारी के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्राधिकारी है वो भी उस शासकीय सेवक को निलंबित कर सकने में सक्षम होते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, उदाहरण के तौर पे, तो वो जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं उनके अधीनस्थ ही माने जा सकते हैं, ठीक है। तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी ऐसे शासकीय सेवक को निलंबित करने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। मैंने एक उदाहरण देकर के आपको बताया कि जो नियुक्ति प्राधिकारी है, नियुक्ति प्राधिकारी यदि किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो जो बड़े अधिकारी हैं वो भी ऐसे शासकीय सेवक को जिसको कि उस नियुक्ति प्राधिकारी ने नियुक्ति दी है उसे निलंबित कर सकते हैं किसी अपराध की वजह से या किसी गलती या कोई मामले की वजह से, ठीक है। अगले क्रम पे हम चले साथियों, तो अनुशासनिक प्राधिकारी। देखिएगा, अनुशासनिक प्राधिकारी जितने भी हैं वो किसी भी शासकीय सेवक को निलंबित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे जिला स्तर पर देखें, तो सम्माननीय जिलाधीश महोदय जो हैं वो किसी भी शासकीय कर्मचारी को निलंबित कर सकते हैं। तो ऐसे अनुशासनिक जो प्राधिकारी होते हैं वो शासकीय सेवक को निलंबित कर सकते हैं किसी गलती या किसी मामले की वजह से, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, तो चौथे क्रम पे मैंने लिखा है कि राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी। साथियों, राज्यपाल के द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के तहत यदि उसको सक्षम बनाया गया है, सशक्त किया गया है, तो फिर ऐसे प्राधिकारी भी किसी शासकीय सेवक को निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चार तरह से मैंने आपको बताए, ये अधिकारी जो है किसी भी शासकीय सेवक को निलंबित कर सकते हैं,
और एक बात यह है साथियों कि उपरोक्त के अलावा कोई अन्य प्राधिकारी शासकीय सेवक को निलंबित करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निचले स्तर के किसी प्राधिकारी के द्वारा दिया गया हो तो ऐसे प्राधिकारी को तत्क्षण उन परिस्थितियों की जिसमें कि आदेश दिया गया है कि रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को करना चाहिए। कभी ये होता है कि जो नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं नियुक्ति प्राधिकारी से निचले स्तर के प्राधिकारी यदि किसी शासकीय सेवक को निलंबित करते हैं तो फिर उनको तत्क्षण यानी तत्काल जो है जो उस समय की जो परिस्थितियां हैं जिसमें को आदेश दिया गया है उसके संबंध में जानकारी जो है वो नियुक्ति प्राधिकारी को देना आवश्यक अनिवार्य है। तो साथियों ये मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में बताने का प्रयास किया है कि ऐसे कौन से सक्षम प्राधिकारी होते हैं जो किसी शासकीय सेवक की गलती या किसी मामले को लेकर के या किसी अवमानना को लेकर के निलंबित कर सकते हैं। साथियों ये जो जानकारी है मैंने जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस सामान्य प्रशासन की जो नियमावली है ठीक है इस पुस्तिका है इसके एक छोटे से अंश से लेकर के मैंने आपको दिया है। साथियों जब इस जानकारी को मैंने पढ़ा तो सोचा क्यों ना ये जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊं। आशा करता हूं आज की जो जानकारी मैंने दी है यह आपको काफी उपयोगी लगी होगी। साथियों यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए कालखंड में नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।